अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। कल इफ्तारी के बाद हम सोनमर्ग ही निकले थे, तो अभी हम रिटर्न आ रहे। तो कल से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम इफ्तारी के बाद निकले थे कल, तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला रास्ते में व्लॉग करने का। और रात को लाइट भी नहीं थी तो आप लोगों को कुछ दिखता भी नहीं। तो हम सादत मैच चेरी और माजिद आए हुए थे यहाँ पे, तो सुबह हमने सहरी सोनमर्ग में ही खाई। तो अभी हम गांधरबल पहुँच चुके हैं। अभी से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि सुबह सुबह यार ठंड बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ से हम वापस निकलेंगे घर की ओर, तो 1 बजे तक हमें घर पहुँचना ही है क्योंकि घर से कॉल आया। पीछे सादत और माजिद चल रहे। चलो आप लोग व्लॉग में बने रहो, देखते हैं कि क्या बनेगा आगे। तो गाइस, पंजाब से आने के बाद ये मेरा पहला मोटो व्लॉग है। इससे पहले मैंने कोई भी मोटो व्लॉग नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ना अभी ग्रीनरी हर साइड से दिख रही है, मतलब बहुत अच्छा फील आ रहा है। पंजाब में भी अच्छी खासी धूप हुआ करती थी, लेकिन यहाँ भी अच्छी खासी धूप है, लेकिन यहाँ हवाएं फिर भी चलती है, लेकिन पंजाब में बिल्कुल भी हवाएं नहीं चलती है। गाइस, आज माइक में थोड़ा शोर आ रहा होगा क्योंकि यार मैंने माइक ना बाहर से लगाई है, माउंट के बाहर से मैंने माइक लगाई हुई है क्योंकि ये शॉर्ट माइक है। अगर ये अंदर से लगाती है ना तो वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड आती है, इसलिए मैंने इसको बाहर से लगाया। तो अगर वॉइस में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो उसको आप नज़रअंदाज करिएगा। लेकिन गैस, कल ना हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगी। घर से कंगन तक ठीक ही था, लेकिन कंगन से जब हम सोनमर्ग की ओर निकले लेकिन तब बहुत ज़्यादा ठंड लगी हमें, क्योंकि हमने वैसे कपड़े नहीं पहने थे, विंटर वाले कपड़े, क्योंकि हमें बिल्कुल पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। तो यहाँ हमें हल्का जैम देखने को मिला है। जैम ना मिले हमें रास्ते में क्योंकि सादत एक इम्पॉर्टेंट काम है, तो उसको पहुँचना है 1 बजे से पहले ही, उसको घर पहुँचना है। तो इसलिए हम सुबह सुबह निकले। और आज का प्लान हमारा था कि हम द्रास तक जाएंगे, तो हमने सोचा था कि आज शाम को हम घर वापस जाएंगे, लेकिन सादत को सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉल आया कि ये तो तुझे घर पहुँचना ही पहुँचना है। हमने एक अच्छा काम किया जो हम सुबह सुबह सोनमर्ग से निकले। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता हमें, फिर हम 1 बजे से पहले नहीं पहुँच पाते शायद, क्योंकि यहाँ पे हमें हर बार जैम देखने को मिल रहा है। चल चल भाई, आजा भाई, आजा आजा। ओ भाई, यहाँ से राइड करने में ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अपने साइड से ऐसे रोड हमें देखने को मिलते ही नहीं है। आज मेरी बाइक ना फिर भी अच्छी भागती है, पहले नहीं भागती थी क्योंकि तब ये उतनी चली नहीं थी। आज ये फिर भी बहुत अच्छी चली है, मतलब अभी ये 2500 के पार हो गई है शायद। पहले ये कम चली थी, 1000 किलोमीटर चली थी, लेकिन तब उतना फील नहीं आता था इस पर क्योंकि ये भागती नहीं थी। सादत की बाइक इससे बहुत अच्छी भागती है क्योंकि वो 5000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है, तो वो इससे अच्छी भागती है। सादत बड़े टाइम बाद मिला हमें यहाँ पे। हाँ सादत भाई, क्यों धीरे चल रहे हो? वहाँ से डर रहा है। और भाई इसको अच्छा खासा कंट्रोल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा भाई बहुत ही प्यारा राइडर है। और सादत चल भाग। अभी सादत और हम एक साथ चल रहे हैं क्योंकि मुझे जो इसके पीछे बैठा है ना वो बिल्कुल डर रहा है, तो सादत तेज नहीं चल पा रहा है। तो सादत ने बोला अब अगर 1 घंटा लेट भी पहुंचेगी तो कोई इशू नहीं है, तो इसलिए हम अभी 30-35 की स्पीड पे चल रहे हैं। पिछले 5-6 किलोमीटर से हम ऐसे ही चल रहे हैं। चलो देखते हैं कि अब कब घर पहुँचेंगे हम। टाइम तो लगने ही वाला है अब क्योंकि मुझे जो पीछे बैठा है सादत के। अभी हम सुहैल ब्रिज पे पहुँच गए हैं। तो जैसा अभी पहुंचे हम यहाँ पे, जहाँ मैंने आप लोगों को बोला था कि माजिद राइड से बिल्कुल डर रहा है, तो वहाँ से मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। तो ये जो आगे वाला बंद है ना, ये तब से हमारे आगे ही चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी हमें साइड नहीं छोड़ रहा है, तो तब से हम इसी के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो बहुत टाइम लगा तब से हमें यहाँ तक, आधा घंटा लिया शायद इस बंदे ने। ये बिल्कुल भी साइड नहीं छोड़ रहा है। ऊपर से ये 2 वे है, तो जहाँ जब हम साइड लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई गाड़ी आ जाती है। ये मुझे अभी तक समझ ही नहीं लगी ये चीज़ क्या है, मतलब इस गाड़ी का पर्पज़ क्या है। चलो गाइस, फाइनली हमने इसे साइड ले लिया है, जो ये बिल्कुल भी हमें साइड नहीं छोड़ रहा था। गाइस, यहाँ हम 2 मिनट के लिए रुक गए क्योंकि बाइक पे हम बहुत ज़्यादा थक गए। तो सादत भी आ गया है यहाँ से, बहुत ज़्यादा थक गए। और अभी यार ठंड लग रही है माजिद? अब नहीं लग रही है, अभी धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी हमें। तो यहाँ से आप लोग नज़ारा देख सकते हो। ये क्या है, ईशा डाल है क्या? हाँ झेलम। और भाई ये कौन सा, ये झेलम है यहाँ से? हाँ झेलम में शायद। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बोलो, हाँ शायद झेलम ही होगा, तो फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलो झेलम है कि क्या है। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं 5-10 मिनट, तो उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। गैस, थोड़ी देर हम यहाँ रुके, तो हमने झेलम का थोड़ा सा नज़ारा देख लिया और रेस्ट भी कर लिया हमने, क्योंकि बाइक्स पे हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। सुबह से हमने कहीं भी रेस्ट नहीं लिया, सुबह हम अर्ली मॉर्निंग सोनमर्ग से निकले और सीधे हमने अभी यहाँ रेस्ट लिया। चलो अभी चलते हैं, अभी शारिक चलाएगा थोड़ी देर के लिए बाइक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया। तो इसको बीच बीच में माजिद ने चलाई बाइक, तो इसको थोड़ी सी हालत मिल गई। चलो गाइस अभी चलते हैं, अभी मिलते हैं सीधे श्रीनगर में, क्योंकि अगर हम सारा शूट करेंगे तो व्लॉग की लेंथ ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये 10-20 मिनट का व्लॉग बन जाएगा, फिर आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखोगे इसे। चलो भाई चलो चलो शारिक भाई, ऑफ रोडिंग कर रहे हो क्या? तो ऊपर से ही चल, हम थोड़ी देर के लिए ऑफ रोडिंग करेंगे, फिर नीचे उतरने की जगह मिलनी चाहिए हमें। हाँ चलो यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए ऑफ रोडिंग करेंगे। ऑफ रोडिंग नहीं यार, यहाँ पे देखो कितना प्यारा रास्ता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से चल रहे हैं, तो इसको एक किस्म की ग्रेविटी बोल सकते हैं हम। तो चल भाई यहाँ से उतर, आगे बिल्कुल भी जगह नहीं है उतरने की। तो गाइज़ वो भाई आराम से आराम से। चलो गाइस आप लोग व्लॉग में बने रहो, अब हम सीधे श्रीनगर में मिलते हैं। फाइनली हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं, तो अभी मुझे KTM शोरूम जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम था मुझे, तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा क्या काम था। गाइस जैसे आप लोगों को पता है पिछली बार मैंने टेल बाहर निकाली थी, तो यहाँ का जो नेट है ना वो खो गया था, तो इसलिए ना ये लूज़ है, तो ये वाला नेट लगवाना है इसमें। और 2 दिन पहले एक और एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ये क्रैश गार्ड भी लूज़ हो गया है, तो इसको भी फिक्स करवाना है, तो इसलिए KTM शोरूम आए थे। ये फिक्स करवाएंगे हम, इसके बाद हम सीधे घर के लिए निकलेंगे। नट लगवा लिया हमने इसमें, तो अभी ये उतना नहीं हिल रहा है, लेकिन क्रैश गार्ड का अभी रहने दिया, क्योंकि अभी ये दूसरा लगाना पड़ेगा, ये फुल्ली ना बेंड हो चुका है, तो अभी अगली बार दूसरा क्रैश गार्ड लगाएंगे। तो आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।